अभी हम पंच बद्रियों में से एक बद्री आदि बद्री में मौजूद है। आदि बद्री मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और यह एकमात्र ऐसा बद्री है जो वर्ष पर्यंत भक्तों के लिए खुला रहता है और केवल पौष माह के एक माह के लिए मंदिर के कपाट बंद कर लिए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भक्त यहाँ पर वर्ष पर्यंत भगवान के दर्शन कर सकते हैं और कहते हैं कि जो भक्त अन्य बद्रियों के दर्शन नहीं कर पाते हैं वह यहाँ आकर के पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। बद्री नारायण जो है वो तीन युगों से यही विराजमान थे, त्रेता द्वापर और सतयुग में। बद्री नारायण विष्णु भगवान जी का जो निवास स्थान था वो आदि बद्री में था, इसीलिए इसको प्राचीन बद्री बोला जाता है। तो मैम यही है मेन तो कि भाई अगर कोई यात्री कोई श्रद्धालु किसी कारण बद्री विधान जाने में असमर्थ है, क्योंकि होता क्या है जब यात्रा खुलती है तो कुछ उपरांत कुछ टाइम बाद वहाँ पर रोड ब्लॉक हो जाती है या यात्री वहाँ जाते हैं तो रस के मारे वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं। वो पूजा जिस श्रद्धा भाव से वो पूजा करने के लिए आते हैं तो पूजा पाठ व्यक्ति कर नहीं पाता वहाँ भीड़ होने के कारण। तो वो अगर वहाँ उनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है पूजा पाठ की तो यहाँ आके पूजा पाठ ध्यान अर्चना कर सकता है। इससे कि महत्व तो वही है कि यहाँ पूजा करो वहाँ पूजा करो बात एक ही है, बद्री नारायण यहाँ भी विराजमान है और वहाँ है। जो गीता लिखी गई है वो वेद व्यास द्वारा लिखी गई है यहीं पर। मुख्य तो विष्णु भगवान है, उसके उपरांत यहाँ पर करुड़ भगवान, अन्नपूर्णा जी, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण और कुबेर जी, ठीक है, हमारे यहाँ के क्षेत्रपाल देवता जिन्हें चक्रवाहन भी बोलते हैं, ठीक है, गणेश जी, हनुमान जी और गौरी शंकर, राम, लक्ष्मण, सीता, काली माता जिन्हें महिषासुर मर्दनी है वो यहाँ पे ना, लेकिन काली माता का नाम से उनको जाना जाता है। दूसरा जानकी जी है और एक शिवालय है यहाँ। जब मंदिर का निर्माण हुआ था तब यहाँ पर 16 मंदिरों के पूरा समूह था। अभी क्या है 14 मंदिर शेष है, इसमें 2 मंदिर खंडित हो गए हैं और इस मंदिर का जो सर्वेक्षण करता है वो ASI करता है। चमोली से News 18 लोकल के लिए सोनिया मिश्रा की रिपोर्ट।